जब तक ये प्याला चलता है थोड़ा आपको गूगल ज्ञान भी दे दें। रिसर्च कर रहा था, इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, विटामिन। ऐसे आप लोग एंड वेलकम टू देसी कोला वंस अगेन। ये बड़ी क्विक वीडियो बनाई है मैंने, बनाने जा रहा हूँ। या फिर एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ कल मेरे साथ। कल मैं कोरिएंडर धनिया तोड़ने गया था थोड़ा सा यहाँ पैच से, और मेरे हाथ पे कुछ लगा, और लगने के बाद मेरे हाथ पे ना पिंपल्स हो गए और काफ़ी ज़्यादा इची हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या था, पर कुछ स्ट्रेंज था। तो क्योंकि वहाँ पे एक प्लांट था, मुझे लगा कि उस प्लांट से कुछ हुआ, तो मैंने उस प्लांट को थोड़ा सर्च किया और पता चला कि उसका नाम होता है स्टिंगिंग नेटल, और बहुत ही डेंजरस टाइप का प्लांट होता है। अगर वो आपकी स्किन पर लग जाए तो वो इचिंग भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकता है, एंड इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स। एक लेडी ने रिपोर्ट किया था, उसके जब ये हुआ था, उसको जब टच कर गया था प्लांट, तो एग्जैक्टली उसको 10-15 साल तक सेम स्पॉट पे इचिंग होती थी। तो काफ़ी डेंजरस प्लांट है और पेनफुल भी है। लेकिन सर्च किया तो पता चला कि ये जो प्लांट है ना, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत है, और जैसे आर्थराइटिस और एक दो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। तो लोग यहाँ पे अपने जैसे जॉइंट पे पेन हो रहा है वहाँ पे स्टिंग लगवाते थे उसका, ताकि वो ठीक हो जाए स्ट्रेंज। तो उसके अलावा एक बहुत सही चीज़ ये भी है कि इस प्लांट की बहुत ही ज़बरदस्त टी बनती है। तो अभी मैं इस प्लांट को हार्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता लिटिल देसी कोआला उसे टच कर ले और प्रॉब्लम में आए, लेकिन काफ़ी बढ़िया प्लांट है। तो अभी मैं बड़े ध्यान से उसको हटाऊँगा। हाँ बेटा, आपको भी मिलेगा। तो बड़े ध्यान से इस प्लांट को भी हार्वेस्ट करेंगे और फिर हम इसकी बढ़िया सी चाय बनाएंगे। चलो मैं आपको पहले प्लांट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये प्लांट है, ये दिख रहा है आपको। ये मैं इसे टच भी नहीं कर सकता, इतना रिस्की प्लांट है। इसकी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसकी एजिस पे और इसकी सरफेस पे छोटी छोटी नीडल्स हैं। और इस प्लांट की खासियत क्या होती है ना, इसके साथ एक और प्लांट भी होता है जिसे बोलते हैं डॉकिंग लीव्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इसका कंपेनियन प्लांट है, और खासबात क्या है कि अगर आपको इससे नीडल लग जाए या ये अगर आपको टच कर जाए, तो आप उस प्लांट की लीव्स अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। क्वाइट स्ट्रेंज की प्रॉब्लम भी साथ में है और मेडिसिन भी साथ में है, पर एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ही मेडिसिन है। चलो इसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर इसकी बढ़िया सी चाय बन। ये प्लांट है दोस्तों, इसको ध्यान से मैं निकालता हूँ, हाथ नहीं लगा सकता इसको मैं। और मेरा वीडियो घूम गया तो मैं लकड़ी का पीस यूज़ करूँगा। ये देखो, तो ये गया इसमें, ऐसे ही और निकालते हैं। ये देखो कितना बड़ा हो गया यार, ये बड़ा डेंजरस काम है। बहुत बढ़िया प्लांट है वैसे तो यार, पर ये बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अब ये दो हो गए। इसको इजी वे ढूंढने का ये है कि अपना हाथ फैलाएं और जहाँ पे चुभे कुछ वहाँ पर ही होगा, फिर इतना रिस्क ले नहीं सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तो दोस्तों जब तक ये प्याला चलता है थोड़ा आपको गूगल ज्ञान भी दे दें। रिसर्च कर रहा था, इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, विटामिन बी की कुछ वैराइटीज़ होती है जैसे B12। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये, एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, और बहुत कुछ होता है। तो आज का मेरा हेल्थ कोटा पूरा हो गया है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स।